नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मिड कैप स्मॉल कैप चाहे कुछ भी करे, कितनी भी वॉलिटिलिटी दिखाए, लेकिन एक चीज जो अब दिखने लगी है वो ये कि लार्ज कैप स्टॉक्स ब्लू चिप सेक्टर्स वापस से चलने लगे हैं, चाहे वो IT हो, फार्मा हो, FMCG में भी मूवमेंट आने लगा है। बैंकिंग चलता है रुक जाता है, मतलब वो वाला फील नहीं दे रहा है। हालांकि अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो ICICI बैंक लाइफ आई से ज्यादा दूर नहीं है, एक्सिस बैंक अच्छा कर रहा है, कोटक भी ठीक ठाक ही कर रहा है, SBI अच्छा कर ही रहा है, लेकिन वो वाला फील नहीं आ रहा है। ऐसे में मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूँ एक बड़ी खबर के बारे में जो कि ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ से आ रही है, फार्मा स्टॉक की तरफ से। अब क्या है वो न्यूज, चलिए समझते हैं, एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कवर करता हूं। दोस्तों खबर आ रही है ग्लेनमार्क फार्मा टू सेल 7.84% स्टेक इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज विया OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए ग्लेनमार्क फार्मा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में छोटा मोटा नहीं 0.8% स्टेक बेचने जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है हमारे एक व्यूअर को जिनका कमेंट आया कि भाई आज तो मजा आ गया क्योंकि एनक्योर फार्मा के IPO में अलॉटमेंट आ गया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा और दूसरी बात मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि अब शायद आपको पता चल गया होगा कि भाई खुशी होती है क्योंकि परसेंटेज टर्म में पैसा बनता है लेकिन अमाउंट देखोगे तो कुछ नहीं बनता। तो मैं यही कहूंगा अपने व्यूअर से कि IPO में मारामारी में आप पार्टिसिपेट ना करें कि सब्सक्रिप्शन के चलते आप 300 गुना सब्सक्राइब हो रहा है IPO, इससे क्या होता है शेयर महंगा हो जाता है। इस पर मैंने काफी डिटेल वीडियो भी बनाई है बट एक बार फिर वीकेंड पे दोबारा से रिपीट करेंगे। बट आपको मुबारक हो, 35% पैसा बना है आपका, 14-15 हजार रुपए पे बना होगा 35%, तो लगभग आप कह सकते हो कि 3-3.5 हजार रुपए का मुनाफा हो गया होगा आपको, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ग्लेनमार्क फार्मा टू सेल 7.84% स्टेक इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज विया OFS। आगे बात करें तो ये क्या है, चलिए समझते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा सेड ऑन July 10 दैट इट्स बोर्ड अप्रूव्ड सेलिंग 7.8% स्टेक इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज थ्रू एन ऑफर फॉर सेल। वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे ऑन July 10 अप्रूव्ड द सेल ऑफ अप टू 96,09,571 इक्विटी शेयर्स ऑफ ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज रिप्रेजेंटिंग 7.84% ऑफ द इशूड एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज हेल्ड बाय द कंपनी। दोस्तों इसमें OFS का प्राइस वगैरह नहीं दिया है, मतलब ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज बेच तो रहे हैं लेकिन किस भाव पे OFS ला रहे हैं वो और दे देते तो ज्यादा अच्छा लगता, मजा आ जाता। शाम तक आ जाएगी सारी डिटेल्स। अभी मैं आपके साथ डायरेक्टली ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के स्टॉक पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि ग्लेनमार्क फार्मा कितना होल्ड करता है उसमें, क्योंकि इसमें ना ये आपको याद होगा कि इन्होंने जब स्टेक बेचा था तो शायद मोर देन 75% स्टेक ओन करते हैं इसलिए बेच रहे हैं ये। हाँ जी एग्जैक्टली वही है, आप देखिए 82.85% ओन करता है ग्लेनमार्क, अभी 7.84% बेचते ही 75% पे आ जाएंगे ये। तो क्या है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के नॉर्म्स को मैच कर लेंगे। मेरे हिसाब से ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के इस OFS में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी, ये पॉजिटिव ही मानूंगा मैं। ऊपर 972 का हाई लगाया है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने, अभी 881 पे है। अगर OFS 10% नीचे आ जाए मतलब 800 रुपए करीब और शेयर ओपन मार्केट में ही टूट जाए तो मेरे को लगता है आप ओपन मार्केट में डायरेक्ट खरीदिएगा, OFS में पार्टिसिपेट करने से ज्यादा अच्छा रहेगा वो, मेरे को ऐसा लगता है। मैं पॉजिटिव हूं इसके IPO पे, अभी मैं एक बार आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूं। एक बार ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का टेक्निकल 875 की क्लोजिंग है, टेक्निकल बेसिस पे 25 के करीब सपोर्ट है। मैं कहूंगा कि अगर वहां कहीं आता है हमें डेफिनेटली एंटर करना चाहिए। उसके पीछे दो कारण होंगे, एक तो वैल्यूएशन टर्म में ठीक है, 22 के पीई पे आपको 10% नीचे 20 के पीई पे मिल जाएगा अगर गिर गया तो 820 तक। दूसरी बात फार्मा स्टॉक्स रडार पे आ रहे हैं और तीसरी बात ओवरहैंग खत्म हो जाएगा कि ग्लेनमार्क फार्मा ने अपनी स्टेक कम करनी है वो भी खत्म, तो ये तो अपॉर्चुनिटी हो जाएगी दोस्तों एक अच्छी वाली। तो मेरे को लगता है आपको डेफिनेटली ये स्टॉक रडार पे रखना चाहिए और ये आपको पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ग्लेनमार्क फार्मा पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा लेकिन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस
को लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज आ इन्वेस्टर, आपको मौके देगा मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का। तो ये एक डिटेल थी मेरी तरफ से, बाकी जैसे ही प्राइस वगैरह सामने आएगा मैं डेफिनेटली वो भी डिस्कस करूंगा कि किस प्राइस पे ओएफएस आ सकता है, अभी तो डिटेल मेरे पास जितनी थी मैंने डिस्कस करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।